बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक ली है। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन भी यहां मौजूद हैं। रमन सिंह, विक्रम उसेंडी, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल हुए हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, डी पुरंदेश्वरी बैठकें ले रही हैं, इस वक्त भी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई होगी? देखिए, इस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है और कोर ग्रुप में मुख्यतः तीन बातों पर चर्चा हुई। पहले तो जो इससे पहले की कोर ग्रुप की बैठक थी और जिसमें डी पुरंदेश्वरी ने किसान आंदोलन को लेकर के टारगेट दिया था, तो वो कार्यक्रम किस तरह की हुई उसकी समीक्षा की गई और फिर ये तय किया गया कि आने वाले समय में भाजपा के जितने भी मोर्चा हैं वो सभी आंदोलन खड़ा करेंगे किसी न किसी मुद्दे पे और लोगों के बीच जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ कि संगठन को सक्रिय करना है और रणनीति बना करके आगे कांग्रेस को घेरने की बात हुई है। जी चलिए, तो लगातार बैठ के जारी है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल संगठन को लेकर तमाम निर्देश यहाँ पर प्रभारी ने जारी किए, इस चर्चा के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डी पुरंदेश्वरी दो दिनों के दौरे पर है और लगातार बैठकें कर रही है। जैसा कि वो जैसे ही रायपुर पहुंची सीधा कार्यालय पहुंची और उसके बाद जो बैठकें शुरू हुई हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है, संगठन के संदर्भ में चर्चा, बजट को लेकर चर्चा और जो विवाद हुए हैं बीते दिनों उसे लेकर तमाम चर्चाएँ इस वक्त वो पार्टी नेताओं से करेंगी, बड़े नेताओं से करेंगी। तो कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। रमन सिंह, विक्रम उसेंडी, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल थे और प्रदेश प्रभारी का दो दिनी दौरा है, सह प्रभारी भी उनके साथ हैं, नितिन नवीन भी उनके साथ है, तो दोनों ही इस वक्त बैठकें ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, बजट सत्र शुरू होना है, उसे लेकर तैयारियों पर चर्चा हो रही है। कुछ पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी कलह की खबरें भी हैं, उस पर भी लगातार वो जानकारी ले रही है।